चलिए गियर बॉक्स लगाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसके बाद इसके वॉशर लगा देंगे। देखिए हमारा गियर बिल्कुल अच्छे से फिट हो गया है। देखिए हमारी क्रैंक असेंबली आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पे दो पिन डावल लगेंगे। देखिए एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। देखिए उसके बाद हमारा मेन पैकिंग लगेगा। हमारा जैन लग चुका है। उससे पहले हम क्रैंक के अंदर थोड़ा ऑयल डाल लेंगे। बात तो सही है। और थोड़ा ऑयल गियर बॉक्स पे भी डाल देंगे। देखिए उसके बाद लगाएंगे इसके ऊपर चैम्बर। देखिए हमारा चैम्बर आ चुका है। ऐसे करके हमें चैम्बर लगा देना है। उसके बाद लाइलोन हैमर की मदद से इसको थोड़ा फिर एक प्लायर की मदद से साफट को थोड़ा रोटेट करेंगे और फिर से थोड़ा हैमर के साथ। देखिए चलिए अब इसके सभी बोल्ट लगा देते हैं। चलिए बोल्ट अब बोल्ट को टाइट कर लेते हैं। देखिए हमारे बोल्ट टाइट हो चुके हैं। अब इसको पलट लेते हैं। अब बारी है इसके क्लच को फिट करने की। सबसे पहले इसकी गियर साफ्ट को लगाएंगे। गियर साफ्ट का एक बूश लगा रहता है, ये हमें लगा लेना है। अच्छा हमको सिखा दिया है। स्प्रिंग को गियर साफ्ट के अंदर लगा देंगे ऐसे करके। देखिए हमारा स्प्रिंग लग चुका है। अब गियर साफ्ट को ऐसे डाल देते हैं। ये हमारी गियर साफ लग चुकी है। उसके बाद इसका गियर स्टॉपर लगाएंगे। ये हमारी गियर स्टॉपर की वॉशल है, ये हम ऐसे लगा देते हैं। उसके बाद आएगा इसका गियर स्टॉपर। उसके बाद इसका एक 10 mm का नट रहता है, ये लगाना है। चलिए नट को टाइट कर देते हैं। इसके बाद हमें गियर रोलर लगाना है। अब इसे 5 mm की एलन की के साथ टाइट कर देते हैं। देखिए ये टाइट हो चुका है। अब बारी है इसके बाद हमारा ऑयल पंप आ चुका है। लगाने से पहले ऑयल पंप के अंदर थोड़ा लुब्रिकेट कर लेंगे इसको।
ढेर लुब्रिकेट हो चुका है, इसका जैन लगा दिया हमने। उसके बाद इसके एक डावल है, हम ये लगा देनी है। देखिए हमारी डावल लग चुकी है, अब इसके बाद ऑयल पंप को लगा देते हैं। देखिए हमारा ऑयल पंप लग चुका है, इसके बाद इसके 8 mm के 3 नट रहते हैं, ये लगा देने हैं। हमारे नट टाइट हो चुके हैं। उसके बाद इसके अंदर लगाएंगे प्राइमरी गियर, ये ऐसे करके हमें यहाँ पर प्लेस कर देना है। अब इसके बाद ये बुश लगेगा। अब बारी है क्लच होजिंग की। देखिए हमारा क्लच होजिंग लग चुका है। उसके बाद क्लच होजिंग के ऊपर एक सिम वॉशर लगी रहती है, ये लगा देनी है। के बाद ये 2 कट वाली वॉशर बनी रहती है, ये भी लगा देनी है हमें। ये कट वाली वॉशर लग चुकी है। उसके बाद इसकी एक कैप होती है, कैप वॉशर, ये लगा देनी है। उसके बाद बारी है क्लच प्लेटों की। ये हमारी हीरो कंपनी की ओरिजिनल क्लच प्लेटें हैं। देखिए हमारी प्रेशर प्लेट आ गई है, फिर एक क्लच प्लेट लगानी है, फिर एक क्लच प्लेट लगानी है। देखिए हमारी क्लच प्लेट रेडी हो चुकी है लगने के लिए। अब इसके बाद इसे ऐसे करके लगा देना है। देखिए हमारी क्लच प्लेटें लग चुकी हैं। इसके बाद इसके नट को टाइट कर देंगे। देखिए हमारा नट टाइट हो चुका है। उसके बाद इसके 4 स्प्रिंग लगाएंगे। उसके बाद इसकी ऊपर की प्लेट होती है वो लगाएंगे। देखिए हमारी प्लेट आ चुकी है। अब 10 mm के 4 नट इसके ऊपर लगाएंगे। चलिए अब इन बोल्टों को टाइट कर देते हैं। अब इसके बाद हमें इसकी क्लच होजिंग के नीचे जो प्लेट लगती है वो लगा देनी है। इसके 2 बोल्ट लगा देंगे। इसके बाद बारी है इनको टाइट करने की। चलिए इन्हें टाइट कर लेते हैं। हमारे बोल्ट टाइट हो चुके हैं। उसके बाद लगाएंगे इसका ऑयल फिल्टर। ये देखिए हमारा ऑयल फिल्टर लग चुका है। अब बारी है इसके वेट को लगाने की। देखिए हमारा वेट आ चुका है, इसे ऐसे करके लगा देंगे। और इसके ऊपर एक वॉशर रहती है वो भी लगा देंगे। फिर इसका एक नट होता है वो लगा देते हैं। चलिए इस नट को टाइट कर लेते हैं। हमारा नट टाइट हो चुका है। अब इसके बाद इसकी प्लेट है, इसे लगा देते हैं।
प्लेट को लगाने से पहले इसकी ऑयल सील लगा लेंगे। देखिए हमारी सील लग चुकी है। अब इसके बाद इसका एक पैकिंग है, ये लगा देते हैं। देखिए हमारा पैकिंग भी लग चुका है। उसके बाद इस प्लेट को यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए हमारी प्लेट लग चुकी है। अब इसके बाद इसके चार बोल्ट लगा देते हैं। हमारे बोल्ट आ चुके हैं। चलिए अब इन बोल्टों को टाइट कर देते हैं। हमारे बोल्ट टाइट हो चुके हैं। अब इसके बाद इसकी पैकिंग लगाएंगे। देखिए हमारा पैकिंग आ चुका है, ये हमें ऐसे लगा देना है। इसके बाद बारी है इसके क्लच कवर की। देखिए हमारा क्लच कवर आ चुका है, अब इसे ऐसे लगा देते हैं। हमारा क्लच कवर लग चुका है, अब इसके बोल्ट को लगा देते हैं। चलिए बोल्ट को डाल देते हैं। चलिए अब सभी बोल्टों को टाइट कर देते हैं। हमारे बोल्ट टाइट हो चुके हैं। अब इसकी किक सील लगा देते हैं। किक सील लगाने से पहले हमें इसे थोड़ा लुब्रिकेट कर लेना है। देखिए ऐसे, अब इसको यहाँ पे प्लेस कर देना है। अब हमारी किक सील लग चुकी है। चलिए हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए गाइस अब इसके अंदर रिंग लगा देते हैं। देखिए एक रिंग हमारा यहां पर लगेगा, उसके बाद हमारा ऑयल रिंग है। देखिए हमारा एक रिंग यहाँ पे लग चुका है। अब इसके बाद हमारा बचा तीसरा रिंग, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। देखिए ये भी हमारा रिंग लग चुका है। अब इसके बाद आएगा इसका टॉप टू रिंग। ये हमारा टॉप टू रिंग है गाइस, इसे हम यहां पर लगाएंगे। देखिए हमारा टॉप टू रिंग लग चुका है। अब इसके बाद हमारा टॉप वन रिंग लगेगा, ऐसे करके हमारा टॉप वन। अब हमारा टॉप वन रिंग लग चुका है। देखिए इस तरीके से हमें रिंगों की सेटिंग रखनी है। देख लीजिए गाइस, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है रिंग लगाने का। अब इसके बाद हम पिस्टन का लॉक लगा देंगे। देखिए हमारा पिस्टन का लॉक डल चुका है। चलिए अब इसे पिस्टन ब्लॉक किट में इंस्टॉल करते हैं। पिस्टन ब्लॉक किट के अंदर डालने से पहले इसे लुब्रिकेट कर लेंगे अच्छे से। देखिए लुब्रिकेट हो चुका है।
ब्लोक किट में पिस्टन लगाने से पहले किट को भी थोड़ा लुब्रिकेट कर लेते हैं। चलिए अब पिस्टन को लगा देते हैं। देखिए गाइस, हमें ऐसे करके टॉप वन रिंग को दबाना है थोड़ा, फिर हमें एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से टॉप टू रिंग को थोड़ा दबाएंगे। देखिए बिल्कुल आसानी से चला जाएगा। फिर हम ऑयल रिंग को थोड़ा दबाएंगे और ऊपर से थोड़ा पुश करेंगे। देखिए गाइस, हमारा पिस्टन बड़ी ही आसानी से अंदर जा चुका है, पिस्टन पिन इसके अंदर लग चुकी है। चलिए अब इसे फिट करते हैं। चलिए गाइस, अब इसके अंदर दो डावल लगा देते हैं। देखिए हमारे दो डावल लग चुकी हैं। उसके बाद गाइस इसका जैन लगाएंगे। जैन आ चुका है, अब इसे ऐसे लगा देते हैं। देखिए गाइस, हमारा जैन लग चुका है। चलिए गाइस, इसके बाद हम यहाँ पे एक रबड़ रिंग लगा लेते हैं। देखिए हमारा रबड़ रिंग लग चुका है। उसके बाद इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर ब्लॉक किट। देखिए गाइस, हमारा पिस्टन लग चुका है। अब चलिए इसे फिट कर देते हैं। देखिए बड़ी ही आसानी से ये फिट हो चुका है। चलिए गाइस, अब इसके 5 mm की LNK का एक नट रहता है, ये लगा देते हैं। देखिए ये 5 mm की LNK का नट हमें इसमें लगा देना है। अब हम इसका हेड फिट करेंगे। हेड के अंदर वॉल सील हमने पहले से लगा दी है। देखिए चलिए, अब बारी है इसके वॉल को लगाने की। सबसे पहले आएगा इसका बड़ा वॉल, यहाँ पर ऐसे लगेगा। हमारा बड़ा वॉल लग चुका है। अब इसके ऊपर गाइस एक सिम और से लगी रहती है, हमें वो डाल देनी है। हमारी सिम और से डल चुकी है गाइस। उसके बाद गाइस हमारा स्प्रिंग लगेगा। फिर गाइस इसके ऊपर एक कैप लगेगी, इसके अंदर दो क्वार्टर लगेंगी। देखिए इस तरीके से हमारी दो क्वार्टर लगेंगी। हमारी दो क्वार्टर लग चुकी हैं। अब हम इसे नीचे पुश करके क्वार्टर को लॉक कर देते हैं। देखिए गाइस, हमने इसके क्वार्टर को लॉक कर दिया है। अब बारी है इसके छोटे वाले वॉल को लगाने की। चलिए लगाते हैं। छोटे वॉल को लगाने से पहले हमें इसे थोड़ा लुब्रिकेट कर लेना है, सेम वैसे ही जैसे हमने बड़े वॉल को किया था। अब इसे यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए हमारा वॉल लग चुका है। उसके बाद सेम फिर वही एक सिम और सेल लगी रहती है, हमें वो भी इसके अंदर डाल देनी है। देखिए वो डल चुकी है। फिर उसके अंदर स्प्रिंग डालना है। फिर उसके अंदर उसकी एक कैप लगानी है स्प्रिंग के ऊपर। देखिए स्प्रिंग के ऊपर कैप लग चुकी है। अब उसके बाद फिर से हमें दो क्वार्टर डालनी है। देखिए हमारी क्वार्टर डल चुकी है। चलिए अब हम इस क्वार्टर को लॉक कर देते हैं। देखिए गाइस, अब हमने इसे भी लॉक कर दिया है। अब गाइस इसके अंदर कैम साफट लगाएंगे। कैम साफट लगाने से पहले हमें इसके अंदर रोकर लगाने हैं। देखिए गाइस, ये हमारा रोकर है, इसे हम इस जगह पे ऐसे लगा देंगे। उसके बाद रोकर की एक पिन है,
इसे भी यहाँ लगा देते हैं। देखिए गाइस हमारी पिन लग चुकी है। अब हम इस पिन को एलन की मदद से थोड़ा नीचे दबा देंगे। देखिए हमारी पिन नीचे चली गई है। अब सेम ऐसे ही हम दूसरे रोकर को लगा लेते हैं। चलिए गाइस अब इसके दूसरे रोकर को भी लगा लेते हैं। देखिए हमारे रोकर लग चुके हैं। अब इसके बाद हमारी कैम शाफ्ट लगेगी। देखिए गाइस हमारी कैम शाफ्ट लग चुकी है। देखिए गाइस हमारा हेड फिटिंग के लिए अब रेडी है। चलिए हेड को लगाते हैं। हेड को लगाने से पहले हमें इसके अंदर एक गैस्केट लगाना पड़ेगा जो कि कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए अब हम गैस्केट को इसके अंदर लगा देते हैं। देखिए हमारा गैस्केट लग चुका है। अब इसके अंदर हम डावल लगा लेते हैं। देखिए हमारे डावल कुछ इस तरीके से लगेगी। देखिए गाइस हमारी डावल लग चुकी है। अब हम हेड फिट करने से पहले इसके अंदर टाइमिंग चैन को इंस्टॉल करेंगे। देखिए गाइस हमारी टाइमिंग चैन लग चुकी है। उसके बाद एक चैन रोलर को लगाएंगे। देखिए ऐसे हमें इस चैन रोलर को लगाना है और अंदर की तरफ पुश कर देना है। उसके बाद चैन रोलर का एक 10 नंबर का बोल्ट हमें इसके अंदर लगा देना है। देखिए हमने बोल्ट लगा दिया है। उसके बाद इसके अंदर हेड को फिट करते हैं। देखिए हमारा हेड आ चुका है। देखिए गाइस हमारा हेड लग चुका है। इसके बाद हमें हेड की प्लेट लगा देनी है। हेड की प्लेट लगाने से पहले हमें एक जैन लगाना होगा। देखिए अब इसके बाद हमारी प्लेट लग जाएगी। देखिए हमारी प्लेट लग चुकी है। प्लेट लगाने के बाद इसके 4 बोल्ट लगेंगे। देखिए गाइस और एक वार्शल इनके अंदर तांबे की लगी रहती है वो हमें नीचे की तरफ लगानी है। पहले हम वार्शल को लगा लेते हैं। देखिए अब इसके बाद हमें ये 4 बोल्ट लगा देने हैं। देखिए गाइस हमारे 4 बोल्ट लग चुके हैं। चलिए अब इन बोल्टों को टाइट कर देते हैं। चलिए बोल्ट को टाइट कर देते हैं। हमारे बोल्ट टाइट हो चुके हैं गाइस। अब इसके बाद इसकी साइड प्लेट लगाएंगे। साइड प्लेट लगाने से पहले हमें साइड प्लेट का एक जैन लगाना है। देखिए इस तरीके से कुछ हमारा जैन लग चुका है।
अब साइड प्लेट के 2 8 mm के बोल्ट रहते हैं, हमें ये टाइट कर देने हैं। अब इसके बाद जो मेन पॉइंट है इसका टाइमिंग सेट करते हैं। अब इसका टाइमिंग कैसे होगा गाइस, देखिए हमारे क्रैंक के अंदर एक छेद बना हुआ है, ये हमें छेद सिलेंडर किट की सेंटर में रखना है और कैम सावट हमारी फ्री होनी चाहिए। अब गाइस हमारी टाइमिंग स्पॉकेट है ये, इसके अंदर एक कट बना रहता है और सेम हेड के अंदर भी एक यहाँ पे कट बना रहता है। देखा गाइस इसके अंदर भी एक कट बना रहता है और इस पॉकेट के ऊपर भी एक कट बना रहता है। हमें गाइस इसके अंदर गरारी डाल के पॉकेट डाल के सॉरी चेन के अंदर पॉकेट को लगा देना है गाइस। अब देखिए गाइस हमारा टाइमिंग अब आउट है, फिर से हम पॉकेट को बाहर निकालेंगे और चेन के लॉक को ऊपर की तरफ। देखिए गाइस ये हमारा कट इस बोल्ट की सेंटर में रहना चाहिए और हमें ये डॉट इस कट से अलाइन करना है, तब हमारा बाइक का टाइमिंग अच्छे से बनेगा। चलिए अब इसके बोल्ट को लगा देते हैं। इसके अंदर 8 mm के 2 बोल्ट लगेंगे। देखिए गाइस हमारे नट लग चुके हैं। अब इसकी मैग्नेट प्लेट को लगाते हैं। चलिए मैग्नेट प्लेट को लगाने से पहले मैग्नेट प्लेट के ऊपर एक रबर रिंग लगेगा, जो कि इस तरह से हमें रबर रिंग लगा देना है। देखिए हमारा रबर रिंग लग चुका है। अब इसके अंदर एक नई ऑयल सील डालेंगे गाइस। देखिए इस तरीके से दबाएं और हमारी ऑयल सील लग जाएगी। इसके बाद हमारी प्लेट रेडी है इंजन के अंदर लगने के लिए। प्लेट लगाने से पहले हमें इन ओरिंग को लगा लेना है। अब हम इस प्लेट को इसके अंदर लगाएंगे। देखिए गाइस देखिए हमारी इंजन प्लेट लग चुकी है। इसके बाद गाइस इसके 2 नटों को लगा लेंगे। देखिए एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ नीचे की तरफ लगेगा। चलिए अब इन बोल्टों को टाइट कर देते हैं। देखिए गाइस हमारे बोल्ट अच्छे से टाइट हो चुके हैं। अब इसके बाद गाइस इसका सेल्फ को लगाएंगे। इसके सेल्फ को लगाएंगे गाइस। अब देखिए गाइस इसका सेल्फ लग चुका है। इसके बाद इसके सेल्फ पे गाइस इसके 3 बोल्ट हमें लगा देने हैं। अब इन्हें टाइट कर लेते हैं गाइस। चलिए गाइस अब इसकी सेल्फ की स्पॉकेट को लगा लेते हैं। सेल्फ की स्पॉकेट लगाने से पहले हमें इसके अंदर एक ऑयल सील लगानी पड़ेगी।
देखिए जो किस तरीके से हमारी ऑयल सील लगेगी। देख गाइस हमारी सेल्फ की पॉकेट की सील लग चुकी है। देख गाइस हमारी चेन लग चुकी है। अब इसको ऐसे लगा देते हैं। देख गाइस हमारी ये लग चुकी है। ये लगाने के बाद गाइस हमारी दो चेन गाइड रहती हैं, ये हमने रिप्लेस की हैं। देख गाइस हमारी चेन गाइड को लगा देते हैं। देख गाइस हमारी चेन गाइड लग चुकी है। अब इसके बाद हमें इसकी स्टॉपर पत्ती लगानी है गाइस। हमारी स्टॉपर पत्ती, देख गाइस हमारी स्टॉपर पत्ती लग चुकी है। अब इसके बाद इसका लॉक लगाएंगे। ये हमारा लॉक है गाइस, इसे हम इसको ऐसे लगा देंगे। देख गाइस ये लॉक अच्छे से लग चुका है। अब गाइस इसकी गियर साफट की सील को लगाएंगे। सील लगाने से पहले हम सील को थोड़ा लुब्रिकेट कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से हम सील को लगा देंगे। देख गाइस हमने सील को लगा दिया है। चलिए गाइस अब इसके बाद इसके मैग्नेट को लगा देते हैं। मैग्नेट को लगाने से पहले हमें इसके अंदर एक कार्टर लगानी पड़ेगी। चलिए पहले कार्टर को लगा लेते हैं। ये हमारी कार्टर है गाइस। देखिए हमारी कार्टर गाइस लग चुकी है। अब गाइस मैग्नेट को लेंगे और इसको प्रेस से लगा देंगे गाइस। देख गाइस हमारा मैग्नेट लग चुका है। अब गाइस 14 mm के नट को लगाएंगे। चलिए गाइस अब इसके 14 mm के नट को लगाएंगे। नट लगाने से पहले हमें एक वॉशर लगानी है, इसके बाद इसका 14 mm का नट लगा देंगे। देख गाइस हमारा 14 mm का नट टाइट हो चुका है। अब इसके बाद गाइस इसके मैग्नेट के कवर को लगा देते हैं। मैग्नेट कवर लगाने से पहले गाइस हम इसके न्यूट्रल स्विच को लगा देते हैं। चलिए गाइस इसकी न्यूट्रल स्विच की पत्ती को इस तरीके से हमें पत्ती को लगाना है और इसका 8 mm का नट है गाइस, ये लगा देना है। अब बारी है गाइस इसके 8 mm के नट को टाइट करने की। हमारा 8 mm का नट लग चुका है गाइस। अब इसके बाद गाइस इसकी आउटपुट साफट की सील को लगाएंगे। ये देखिए गाइस 6287 इसका नंबर है। ये कुछ इस प्रकार की सील है गाइस। देखिए सील को लगाने से पहले इसे थोड़ा लुब्रिकेट कर लेते हैं। देखिए सील को हमने लुब्रिकेट कर लिया है। अब इसके अंदर इसको ऐसे प्लेस कर देंगे। देख गाइस हमारी आउटपुट साफट की सील लग चुकी है। चलिए गाइस अब इसके मैग्नेट कवर को लगा देते हैं। मैग्नेट कवर लगाने से पहले गाइस हमें इसके पैकिंग को लगाना पड़ेगा। मैग्नेट कवर का पैकिंग है ये कुछ इस तरीके का है। देख गाइस हमें ऐसे लगा देना है। अब इसके बाद गाइस हमारा कवर फिटिंग के लिए रेडी है। चलिए इसे लगाते हैं। देख गाइस हमारा मैग्नेट कवर लग चुका है। इसके बाद गाइस मैग्नेट कवर के 4 बोल्ट हैं, इन्हें लगा देते हैं।
देखिए गाइस, चलिए गाइस अब इन्हें टाइट कर लेते हैं। देखिए गाइस हमारा मैग्नेट कवर लग चुका है। चलिए गाइस अब इसकी साइड प्लेट को लगा लेते हैं। साइड प्लेट लगाने से पहले हमें इसके ऊपर एक जैन लगाना पड़ेगा और कुछ इस तरीके से हमारी साइड प्लेट को हम लगा देंगे। इसके बाद गाइस इसका एक 10 mm का बोल्ट है, हमें ये यहाँ पे लगाना है और इसे टाइट कर देंगे गाइस। देख गाइस हमारी साइड प्लेट लग चुकी है। अब गाइस बारी है इसके टाइपेट कवर की। गाइस अब इसके टाइपेट कवर को लगा देते हैं। ये गाइस इसके टाइपेट कवर हैं। टाइपेट कवर लगाने से पहले गाइस हम इसके दो ओरिंग को रिप्लेस कर देंगे। देख गाइस ओरिंग डल चुका है, अब इसके टाइपेट कवर को लगाएंगे। सेम ऐसे ही गाइस हमें दूसरे के अंदर भी ओरिंग को लगाना है और ये नीचे लगा देंगे गाइस। चलिए गाइस हमारे टैपेट कवर लग चुके हैं। अब गाइस इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से पहले गाइस इसके 17 नंबर के नट को लगा लेते हैं। देखिए हमारा ऑयल नट लग चुका है, अब इसे टाइट कर देते हैं। चलिए गाइस अब इसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल गाइस हम इसके अंदर कैस्ट्रोल एक्टिव को यूज कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा ऑयल है गाइस। चलिए गाइस अब ऑयल डालते हैं। देख गाइस हमारा ऑयल डाल चुका है। ऑयल डालने के बाद गाइस हमें इसकी ऑयल गेज को लगाना है। ऑयल गेज के हम रबर रिंग को रिप्लेस कर लेते हैं गाइस। देखिए दूसरा लगा दिया है। इसे गाइस हम प्लायर की मदद से टाइट कर लेते हैं। देख गाइस गाइस हमारा इंजन असेंबल होके रेडी है। चलिए अब इसे बाइक के ऊपर लगाते हैं।